सो नमस्कार दोस्तों, टेक राइट प्रो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप भी आपका भी फोन बहुत ज्यादा हैंग करता है और हैंगिंग प्रॉब्लम को लेकर आप काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो तो आज ये बिल्कुल गलती मत करना। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना गाइस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने आपके हैंगिंग प्रॉब्लम को लेकर उसके सॉल्यूशन को लेकर चार चार ऐसा खतरनाक हिडन ट्रिक लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर, जिससे अगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फोन के अंदर कर लेते हो तो मैं 101% गारंटी देता हूं कि आज के बाद जिंदगी में कभी भी आपका ये फोन हैंग कभी भी नहीं रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ सेटिंग को बंद करने के लिए बताऊंगा और कुछ सेटिंग को चेंजेस करने के लिए बताऊंगा, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हो तो आपका फोन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा और फिर आपका फोन बिल्कुल रॉकेट की तरह स्पीड से चलने लगा गाइस। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ट्रिक को देखना, फिर खुद ही आपको विश्वास हो जाएगा, फिर देखना आपको अपने फोन को यूज करने में कितना ज्यादा मजा आएगा। तो आप भी अगर चाहते हो इस चार ट्रिक को सीख के अपने फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को दूर करना, तो सबसे पहले करना क्या, इस वीडियो को लाइक करके यार बिल्कुल इसको कर देना है ब्लैक, और जो जो नया चैनल पर नया हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे और ही ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक शेयर कर लीजिएगा तो नए वीडियो की जानकारी मिल पाएगा सबसे पहले। हो सके तो इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपने सभी दोस्तों के पास, और कमेंट के अंदर एक प्यार से कमेंट कर देना यार नाइस वीडियो, क्योंकि ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस इतने छोटे से काम कर लेने के बाद हैंगिंग प्रॉब्लम की सबसे पहली खतरनाक ट्रिक क्या है उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं और फोन के अंदर जरूर करना। सभी फोन के अंदर वर्क करने वाला है ये चारों ट्रिक और सभी एंड्रॉइड फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। वैसे देखिए चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन चार नंबर की ट्रिक को जरूर देख के जाना गाइस। वो बिल्कुल ट्रिक आपके फोन को रॉकेट की तरह बना देने वाला है, बिल्कुल फास्ट चलेगा रॉकेट की तरह और आप सबको देखने के बाद मजा ही आ जाएगा। तो चलिए पहला ट्रिक क्या है उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं और फोन के अंदर जरूर करना। तो चलिए चलते हैं पहले ट्रिक की ओर। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने फोन के नोटिफिकेशन बार में आना है और यहां पर आपको अपने फोन में लोकेशन मिल जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हैंगिंग प्रॉब्लम को लेकर आखिर लोकेशन का क्या लेन देन है, अभी आपको समझ आ जाएगा गाइस। ये जो मैं पहला ट्रिक बता रहा हूं लिटरली गाइस, अगर आपके फोन में नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ा परेशानी आपके फोन में खड़ा कर सकता है, आपके फैन को आपके फोन को डेड कर सकता है, यानी कि बंद कर सकता है फोन को। बहुत ही ज्यादा इसमें पावरफुल सेटिंग छिपा हुआ है जिसे बंद करना है जल्दी जल्दी, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान कर देने वाला है आपके फोन को। तो ध्यान से देखना, एक उपाय तो ये है गाइस कि आप इस पर प्रेस करना लोकेशन पर तो डायरेक्टली यहां पर आ जाओगे, और दूसरा क्या, अगर मान लीजिए वहां पर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आना अपने सेटिंग में और यहां पर आपको सर्च करना है लोकेशन। लोकेशन यहां पर सर्च कर लीजिएगा, जैसे कि देखिए मैं यहां पर करता हूं, लोकेशन कर लिया सर्च, ये देखिए लोकेशन आ गया, इस पर क्लिक करना है डायरेक्टली आप यहां पर आ जाओगे। यहां से भी आ सकते हो या तो आप नोटिफिकेशन बार के सेटिंग यहां लोकेशन पर प्रेस करके आप यहां पर आ जाओगे। तो यहां पर करना क्या है, ध्यान से देखना ध्यान से समझना, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इंप्रूव एक्सेसरी। यहां पर ध्यान से देखिए इंप्रूव एक्सेसरी, बहुत ही मतलब ये सेटिंग को आपको बंद करना है जरूर से जरूर, जो भी फोन आप यूज कर रहे हो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहां पर दो सेटिंग्स देखने को मिलेंगे, दोनों को बंद करना है गाइस, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपके फोन को। सबसे पहला यहां पर सेटिंग मिलेगा आपको वाईफाई स्कैनिंग, यहां पर मिलेगा ब्लूटूथ स्कैनिंग, इसको बंद करना है गाइस। ये क्या करता है गाइस, मतलब चालू होता है तो इससे क्या होनी है आपके फोन को मैं बताता हूं। जैसे कि गाइस अगर आपका वाईफाई स्कैनिंग चालू रहता है तो ये क्या करेगा, आप जब भी अपने वाईफाई को ऑन रखोगे, और यहां पर देखिए ब्लूटूथ स्कैनिंग, दोनों वाईफाई ब्लूटूथ है, तो इन दोनों को जैसे ही चालू रखोगे तो अगर कहीं में वाईफाई खुला हुआ है तो हमेशा ये स्कैन कर करके बार बार ये पता लगाएगा कि कहां पर आखिर वाईफाई खुला हुआ है, कहां पर ब्लूटूथ खुला हुआ है। तो हमेशा ये इतना सीपीयू पर ज्यादा जोर डालता है कि फोन डेड भी हो सकता है यहां से, मतलब बहुत ज्यादा कहीं पर जाओ ये हमेशा स्कैनिंग करते रहते हैं। तो सोचो यार आप एक फोन को तो यूज कर ही रहे हो, ऊपर से ये स्कैनिंग करेगा तो कितना ज्यादा जोर पड़ेगा, और आप ही सोचिए जोर पड़ेगा तो नुकसान तो होगा ही। तो इस सेटिंग को बेसिकली आपको करना क्या है, बंद कर देना है, आपका इससे नुकसान ही नुकसान है, तो इसे बंद जरूर कर लीजिए। देखिए ब्लूटूथ आप बंद कर दीजिएगा, मान लीजिए आपको कनेक्ट करना ही है तो डायरेक्टली आप ब्लूटूथ से कर लीजिए, वाईफाई से कर लीजिए, मतलब क्या जरूरी है कि अपने अनुसार स्कैनिंग करता रहे, तो इसीलिए इस सेटिंग को बंद कर देना है। तो पहला ट्रिक ये था, कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आप सेकेंड ट्रिक की ओर, जिसे आपको अपने फोन के अंदर करना ही करना है, और ये भी सेटिंग हर एंड्रॉइड फोन के अंदर वर्क करने वाला है,
और ये भी सेटिंग जब भी आप अपने नेट को चालू करते हो तो ये भी बहुत बड़ा परेशानी आपके फोन में खड़ा कर सकता है। तो क्या है इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में आ जाना है। बहुत ये पावरफुल सेटिंग है यार, ये भी आपके फोन को काफी ज्यादा हानि पहुंचा सकता है, हैंगिंग प्रॉब्लम का बहुत बड़ा वजह बन सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा सेटिंग्स, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करते हो तो देखिए जब भी आप नेट को चालू रखिएगा अपने फोन के अंदर तो ये बहुत बड़ा परेशानी खड़ा कर सकता है। जैसे कि देखिए क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेटवर्क प्रेफरेंस। जैसे कि मैंने बता दिया था कि नेट चालू रहेगा तो नेटवर्क परफॉर्मेंस पर क्लिक कर लेना है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ भी आपको सेटिंग को बंद करना है कुछ सेटिंग्स को। जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस, यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत ही घटिया थी है, मतलब नहीं ठीक है ये आपके फोन के लिए। ये देखिए आपका दिया होगा ओवर एनी नेटवर्क में, आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको दे देना है आस्क, यहाँ पर देखिए आस्क मी एवरी टाइम, जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके परमिशन के बिना ये कुछ करेगा ही नहीं। ये क्या करता है गाइस, बार बार एप्लीकेशन को डाउनलोड में लगा देता है, आपके परफॉर्मेंस को घटा देता है डाउनलोड में। जब भी आपका नेट खुला रहेगा ये कुछ से कुछ आपके ऐप में डाउनलोड, आप देखिए आपको कुछ करना ही है अपडेट तो आप अपने से जाके कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ऑटो अपडेट ऐप है, इसको भी बंद करना है। यहाँ पर देखिए ओवर एनी नेटवर्क में होगा, डोंट ऑटो अपडेट करके डन कर दीजिए। गाइस आपको अगर मान लीजिए अपडेट करना ही है तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर सर्च करके कुछ भी जो भी है आपको यहां से अपडेट कर लीजिए। क्या जरूरी है मतलब अपने आप ही अपडेट करे, करेगा तो ऑब्वियसली बात है यार मतलब फोन पर तो खराबी पहुंचेगा ही, तो वहां पर वो दो सेटिंग को आपको कर लेना है। तो फिर ये आपका 80% हैंगिंग प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाने में। देखिए एक और सेटिंग इसमें करना था वो मैं बताना भूल गया, नेटवर्क प्रेफरेंस पर आना है, ऑटो प्ले वीडियो मिलेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटो प्ले वीडियो पर आना है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर दिया हूँ डोंट ऑटो प्ले वीडियो, आपका जरूर से जरूर ऑटो प्ले वीडियो एट एनी टाइम होगा, यानी किसी वक्त आप फोन को चला रहे हो कुछ भी कर रहे हो आपका इंटरनेट जब भी चालू रहेगा फालतू का ऑटोमेटिक यहाँ पर है, ऑटोमेटिक यहाँ पर एड चलने लगेगा, प्रचार चलने लगेगा यहाँ पर, जिससे कि आपका भी माथा खराब होगा और फोन का भी नुकसान हो सकता है। तो कर लेना ये सेटिंग, ये तीन सेटिंग को इसमें भी बंद कर लेना है। तो अब चलिए आखिर थर्ड नंबर का ट्रिक क्या है उसे थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना, फोन के अंदर जरूर करना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने एंड्रॉइड फोन के सेटिंग में आ जाना है। जैसे आओगे तो किसी भी एंड्रॉइड फोन में आपको इसी तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर करना क्या है, ध्यान से देखना, आपको थोड़ा नीचे की साइड आना है, नीचे की साइड आइएगा तो नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर, हो सकता है ये आपके फोन में ना हो क्योंकि मैंने इसे एक्टिव किया है तब है ये आपके फोन में, हो सकता है आपके फोन में एक्टिव ना हो। तो आपको क्या करना है, अबाउट फोन पर आना है, ध्यान से देखना, यहां पर आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर आपको अगर आप MI का फोन यूज कर रहे हो तो यहां पर मिलेगा MI वर्जन, ऐसे नॉर्मली आपका फोन है तो सभी में आपको बिल्ड नंबर मिलेगा, तो इस पर जैसे ही 7 बार क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक देखिए डेवलपर ऑप्शन बोल रहा है ऑलरेडी इनेबल है, तो मैंने इनेबल करके रखा है इसीलिए आपके फोन में हो सकता है इनेबल ना हो, तो यहाँ पर 7 बार क्लिक करना ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। तो आपको बैक आना है, बैक जैसे आइएगा तो किसी किसी फोन में एडिशनल सेटिंग देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा। जैसे मेरे फोन में नीचे की साइड है तो इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर क्या करना है ध्यान से देखना, आपको डायरेक्टली थोड़ा नीचे की साइड आना है, नीचे की साइड आइए और यहाँ पर आपको एक सेटिंग को खोजना है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए मिल जाएगा, बहुत ही जबरदस्त है यार, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं कर रहा हूं करने के लिए वही कीजिएगा। यहाँ पर आप दे दीजिएगा नो बैकग्राउंड प्रोसेस, ये क्या करेगा गाइस, आप अपने फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करते हो गाइस, ढेर सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसे आप नॉर्मली यूज करके ऐसे करके आप बंद भी कर देते हो तो आपको लगता है कि आपका जो है यहां से बंद हो गया, लेकिन वो वास्तव में बंद नहीं होता है, बैकग्राउंड में वो हमेशा ही काम करते रहता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यहां पर जैसे नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिख दोगे तो उसका बैकग्राउंड सब कुछ बंद हो जाएगा यार, बैकग्राउंड में जो काम चलता है उसका बंद कर देगा, तो आपका फोन का जो है परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलेगा, आपका फोन हैंग नहीं करेगा, गेम खेलोगे तो लैग नहीं करेगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये तो थर्ड नंबर का ट्रिक कैसा लगा वैसे हमें कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो चलिए फाइनली अब चलते हैं हम चौथे ट्रिक की ओर, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया यार कि ये 4 नंबर का ट्रिक आपके फोन को बिल्कुल रॉकेट की तरह स्पीड बढ़ा देने वाला है, जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूं, अभी देखना गाइस।
मैं अपने व्हाट्सएप को खोल रहा हूँ तो देखिए थोड़ा नॉर्मली ये धीरे धीरे खुल रहा है, आप देख सकते हो नॉर्मली धीरे खुल रहा है, मतलब स्पीड में नहीं खुल रहा है, देखिए नॉर्मली धीरे होता है। लेकिन ये 4 नंबर का जैसे सेटिंग कीजिएगा तो आप जो भी एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक जैसे कीजिएगा ओपन हो जाएगा, चाहे फोन पुराना हो या नया हो, कितना भी ज्यादा 5 साल पुराना हो, बस ये सेटिंग कर लीजिएगा तो आपका फोन बिल्कुल रॉकेट की तरह चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखिए तब आपको विश्वास होगा, बोलने से नहीं होगा विश्वास। तो देखिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है, सेटिंग में जैसे आइएगा तो फिर से डेवलपर ऑप्शन में आना है, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपको नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, अभी नीचे आना है, नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनिमेशन वाला, तीन तीन सेटिंग मिल जाएगा, विंडोज एनिमेशन स्केल और यहाँ पर देखिए ट्रांजिशनल एनिमेशन स्केल, यहाँ पर तीन सेटिंग को आपको क्या करना है, यहाँ पर विंडोज एनिमेशन को ऑफ कर देना है, ध्यान से देखिए, इस पर भी आना है, इसे भी ऑफ कर देना है, ध्यान से देखना गाइस। और देखिए ये मैं दूसरा सेटिंग में आ गया हूँ तो यहाँ पर आना है, इस तीनों को बंद करना है, देख लीजिए एनिमेशन स्केल वाला जितना है सबको बंद करना है, उसके बाद देखना गाइस आपका फोन क्या वर्क करेगा। देखिए फटा मैंने इस पर क्लिक भी नहीं किया, ये खुल गया, देख सकते हो गाइस, अभी देखिए आपके सामने, देखिए उस वक्त कितना लेट खुल रहा था, प्ले स्टोर कितना धीरे खुल रहा था, अभी मैंने क्लिक किया मतलब कितना स्पीडली काम कर रहा है, बिल्कुल रॉकेट की तरह फास्ट कर रहा है यार। तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो जाइए जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देख सकते हो बिल्कुल स्पीड रहेगा, तो आप भी ट्राई कीजिए, देखना आपका भी फोन बिल्कुल रॉकेट की तरह फास्ट चलेगा। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मुझे इसी 4 ट्रिक के बारे में बताना था, जो कि उम्मीद है कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर पसंद आया हो तो रुकिए नहीं, इस हाथ को दबा के बिल्कुल इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन दबा के ऑल पर सेट कीजिए, ताकि नए वीडियो की जानकारी मिलेगा। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट में लिख देना यार नाइस वीडियो। तो हम मिलेंगे ऐसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।